हेलो गाइस, मैं सही राशि में आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो तुर्की के इस ट्रिप के बारे में। तो जैसे कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है इट्स ऑल अबाउट अंडरग्राउंड सिटी ऑफ दरिंकियू। दरिंकियू जो है बेसिकली ये बाइजेंटाइन के टाइम की एक सिटी है। तो दरिंकियू जो है एक बहुत ही डिफरेंट आपको और यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। ये जाने का बेसिकली रास्ता है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा वेल मेड है, लेकिन उस टाइम पे जब ये डिस्कवर हुआ था तो उस टाइम पे इतना ये मतलब अच्छे से बना हुआ नहीं था। अब टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं तो इसे अच्छे से बना दिया गया। आप 8 से 9 फ्लोर अंदर डीप में जा सकते हो इसके अंदर। सो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप कैपेडोकिया आ रहे हैं तो ज़रूर ये एक्सपीरियंस आप करें। ये जो पहाड़ा हैं ये बहुत इजीली कार्व हो जाते हैं और कोई मशीनरी का इसमें यूज़ नहीं है। बेसिकली वो टाइम पे मशीनरीज थे भी नहीं। ये मैं बात करूँ 780 के टाइम की, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो टाइम पे क्या मशीनरीज रहेंगे क्या रहेंगे। लेकिन ये जो अंडरग्राउंड सिटीज़ बनाना है कोई हार्ड टास्क नहीं था, बट एट द सेम टाइम इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था और मैन पावर लगता था, क्योंकि ये स्टोन थोड़ा सा मतलब ईजिली ब्रेक हो जाता है। दैट्स द ओनली रीज़न वाई ये बहुत अच्छे से बन गई सिटी। और ये सिटी एक सिविलाइजेशन में नहीं बनी सो है, ये मल्टीपल सिविलाइजेशन में अलग अलग वो लोग फ्लोर ऐड करते गए। और इसमें क्या रहता, जब भी वॉर्स होते थे तो ये लोग शेल्टर का काम करते थे। दरिंकियू सिटी डिस्कवरी की बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। तो क्या हुआ था, एक वहाँ का 1963 के टाइम की बात है बेसिकली है। तो एक आदमी जो है सो अपने घर को बना रहा था फिर से। तो घर का जब बनाने का उन्हें काम निकाला तो क्या हुआ, उन्हें देखा कि एक छोटा गैप है कहीं से तो भी, और वहाँ से मुर्गे अंदर चले आ रहे। तो अब उन्हें देखा भाई अरे आखिरकार जा रहे कहाँ मुर्गे, देखा तो उसको मालूम हुआ कि अंदर पूरी एक सिटी है। तो ये एक इस टाइप से ये बेसिकली डिस्कवर हुई थी। ये अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बहुत डिफरेंट थॉट्स है भी लोगों के वहाँ पे। तो कोई बोलते मतलब इसका यूज़ इसलिए हुआ, उसका यूज़ इसलिए हुआ, लेकिन जब बाइजेंटाइन ये ईरा था उस टाइम पे 20 से 25 हज़ार लोग, 20 हज़ार लोग आप इमेजिन कर सकते कितनी बड़ी टनल्स होंगे, 20 हज़ार लोग अंदर आ जाते थे, शेल्टर लेते थे जब लड़ाइयाँ चलते थे उस टाइम की। और ये क्या है, 5th सेंचुरी से लेके तो 10th सेंचुरी के बीच में मोस्टली बनी सो है। तो आप इमेजिन कर सकते कि वो टाइम पे कैसा ये लोग रहते थे होंगे, क्या ये लोगों का वेंटिलेशन था, तो वो टाइम का क्या आर्किटेक्चरल सीन रहता था होंगा। ये लोग बिल्कुल छन्नी हथौड़ी ले लेके जो है ना ये लोग मार मार के टनल बनाए सो है। तो बहुत मेहनत से बनी हुई टनल है, बहुत नैरो है, और वो टाइम पे लाइट भी नहीं रहते थे तो इट्स अनइमेजिनेबल। बट ये जो एक्सपीरियंस मेरे को मिला बहुत डिफरेंट था और बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। ये सबसे नीचे जो है ये वन वे टनल है, सबसे लास्ट जो पॉइंट जाने देते बेसिकली टूरिस्ट को। ये बहुत नैरो टनल है, एक आम आदमी इजीली उसके अंदर नहीं जा सकता, और सीधा नीचे जाना है। नीचे के बाद में वहाँ से आपको एक शाफ्ट दिखता, अराउंड 180 फीट डाउन है शाफ्ट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपन ज़मीन के अंदर कितना नीचे है, वहाँ से आपको दिखता ऊपर का। तो वहाँ से बेसिकली लोग पूरा ट्रांसपोर्ट करते थे चीज़ों को। वो एक वेंटिलेशन शाफ्ट भी था, एट द सेम टाइम वो एक वो लिफ्ट का काम करता वो टाइम पे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये कब की बात है बोले तो 780 से लेके 1180 की बात है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस था होगा बेसिकली।
ayakkabın içerisine bıraktıktan sonra bu gördüğünüz odalarda mayalanması için yerleştiriyorlar. Yani burada kaldıkları su içerisinde şaraplarını da üretmişler. Yes guys, now we will continue. As you see, we are following the rest. So guys, अब सबसे मेन क्वेश्चन कि यहाँ पे जाना कैसा? तो कैपेडोकिया में जब आप आते हैं तो आप दो सिटीज़ है बेसिकली, गोरेमे एक सिटी है, नेवशीर एक सिटी है। तो आप दोनों में से जहाँ पे भी रुक रहे हैं वहाँ पे आप कोई भी टूर ऑपरेटर कर गए तो उन्हें आपको दो चीज़ पूछता, आप क्या करने आए। तो वहाँ पे आपको टूर्स बताता, उन्हें ग्रीन टूर रहता, एक रेड टूर रहता और एक रहता हॉट बलून राइड। तो आपके बजट के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको, आप अगर ग्रीन टूर लेते हैं उसके अंदर आपको ये अंडरग्राउंड सिटी में जाने का मौका मिलता। तो ये बेसिकली जब टूर लिए तो ही सस्ता पड़ता बेसिकली। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप पूरी प्राइवेट कार बुक कर सकते हैं, तो वो अलग अलग, एक जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक 7,000 से 8,000 रुपये पर पर्सन का आपको खर्चा आता, एक दिन का बता रहा हूँ मैं, अगर आप टूर वगैरह लेके जा रहे तो। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था और जितना हो सका उतना छोटे ग्रुप का टूर आप बुक करना तो आप अच्छे से इसको वो कर सकते हैं। लेकिन एक ये है इसके अंदर, एक चीज़ कभी भी टूर बुक कर रहे तो ध्यान में रखना कि उन्हें आपको होटल से पिकअप कर रहा है नहीं कर रहा। अगर उन्हें होटल से पिकअप नहीं कर रहा बोले तो आपको टाइम पे आपको जो भी जगह बोल रहा है वहाँ पे आ जाना पड़ता। यूजुअली 90% ऑफ देम होटल से आपको पिकअप कर लेते हैं वो लोग। Yes, buradayız yes guys, now we are in the fourth floor of the underground. So guys, मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत अच्छे एक व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग अभी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसा ट्रैवल करना, और सबसे मेन चीज़ है ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चा होना और पूरे चीज़ा घूम लेना। ज़्यादा अपन लोगों का इंडियंस क्या है भाई, पूरी वैल्यू फॉर मनी होना बोलते हैं, तो वो हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। ये जो रेट हैं वही मैं बोल रहा हूँ ये मेरे हिसाब के हैं, और मैं जो सीज़न में गया था हो सकता है ये वेरी करेंगे। तो आप लोगों का पुकार लेना नहीं, आसिम भाई आप ऐसा बोल रहे हैं इतना मेरे को महंगा पड़ गया तुर्की गए, तो ऐसा नहीं, हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है अलग अलग सीज़नों में क्या अलग अलग हो जाते हैं। और सबसे मेन चीज़, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे आप लोग, हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, अब बहुत वीडियो बना के डालने वाला हूँ मैं चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो तो आपको नए नए कंटेंट देखने को मिलते हैं। Of the region to protect themselves from the freezing weather conditions, they use the underground cities that later, during the attacks of the enemies, they were living here in different times. And each under, you know, the underground city is not built. तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो जबरदस्त दिखाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। अगर इसमें आपको कुछ और इम्प्रोवाइजेशन अगर करने की मेरे को ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कमेंट से बताइए। और आपको कुछ अगर डाउट्स है कैपेडोकिया और कैपेडोकिया के रीजन में, जब भी मैं ट्रैवल करा जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन भाई घर से निकलो, ट्रैवल करो, इन्जॉय करो, ये दुनिया बहुत बड़ी है, कब तक काम कर लेते बैठेंगे घर में, इन्जॉय करो भाई। मोटिवेट कर रहा हूँ आप लोगों को मैं, ज़रा घर से बाहर निकलो, घूमो, दुनिया देखो, काम तो करते रहते ज़िंदगी भर। यंग जो लोग हैं उन लोगों को खास तौर पर मैं इनक्रेज कर रहा हूँ, जाओ भाई घूमो, जितने आपके पास पैसे हैं उसके हिसाब से घूमो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल दिया तो खाली तुर्की चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप घूमो फिरो, इन्जॉय करो लाइफ को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। Also, from the